हम लोग कोल्ड ड्रिंक थोड़ा पिएंगे क्योंकि थोड़ा गर्मी लग रहा है, क्योंकि डर लग रहा है, डर के जीत तो दोस्तों आज जो है नए ब्लॉग पे आपका फिर से स्वागत है। और जो है आज हम लोग जा रहे हैं कोयल रिवर ब्रिज, जो कि बहुत ही सुंदर है देखने में, और कैसा है क्या है आपको सारा पता चलेगा। तो इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहना क्योंकि कोयल रिवर ब्रिज जा रहे हैं हम लोग। और हमारे साथ यहाँ इमरान भाई, राजा और इरफान, जो कि छुप छुप के बोलता है हम रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कहाँ तक ये छुपता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर। तो ये देखिए रॉयल किला का एयरपोर्ट यहाँ पे बनने वाला है, ऑलरेडी है, छोटा सा है लेकिन बनने वाला है बड़ा। और ये जो हम लोग का काम चल रहा है इधर से, और यही रोड पे आप लोगों को जाना है, और इस साइड में ही हम लोग का जो है अपना हॉकी स्टेडियम जो बन रहा है। ये जो रोड देख रहे हो ये रोड ही बन रहा है हॉकी स्टेडियम जाने के लिए। तो ये छेंड में पड़ता है, तो अगर आपको आना हो तो यहाँ पर एरोड्रोम पास आ सकते हो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कहाँ जाना है। तो कोयल रिवर ब्रिज जाना है हम लोग को, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो ये रोड है हम लोग का जाने का कोयल रिवर ब्रिज का, तो इसी से साइड से हमको जाना है। यहाँ से हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट अपना जो है जो अपना छेंड रास्ता है वहाँ छेंड पे हम लोग पहुँचेंगे। और सीधा में आप जो ये सीधा रोड देख रहे हो, तो ये रोड आप देख सकते हो यहाँ पे नया रोड बन रहा है डबल, जो कि ये हॉकी स्टेडियम के लिए ये रोड बन रहा है। देख सकते हो यहाँ पे अंदर में जो है हॉकी स्टेडियम बन रहा है, और यहाँ पे बहुत सारा जो है हॉस्टल है, और देख सकते हो यहाँ पे। और ये सीधा में अगर जाओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हॉकी स्टेडियम का काम चालू है। तो अगर आपको जानना होगा कि हॉकी स्टेडियम का काम कैसा हो रहा है तो इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो अभी हम लोग को जो है कोयल रिवर ब्रिज जाना है, तो हम लोग को यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। तो हम लोग छेंड घुस गए हैं, और ये छेंड वाला का लास्ट जो रोड है वही रोड में हम लोग घुसे हैं। मतलब पहला रोड अगर उधर से हम लोग आ रहे हैं तो पहला टर्न लिए हैं, और यही रोड में जाना है हम लोग को। तो ये रोड है देख सकते हो, ये छेंड का जो लास्ट रोड है जो मंदिर की तरफ आता है, ये रोड में आप देख सकते हो यहाँ बीजू पटनायक चौक से सीधा भी आओगे आप अगर छेंड तरफ से, तो ये रोड आपको पकड़ना है, क्यूरी सेटी की ऐसी कुछ नाम है इसका, और यही रोड में हम लोग को जाना है तो कोयल रिवर ब्रिज पहुँचेगा। पहुंच गए और देख सकते हो पहले जो हॉकी का ट्रेनिंग चलता था यहाँ पे चलता था, अब देख सकते हो मतलब हॉकी वॉकी खेलते थे यहाँ पर ही, तो अब जो है हॉकी स्टेडियम पूरा बन रहा है क्योंकि यहाँ पे छोटा पड़ रहा था ट्रेनिंग के लिए। तो अब जो है ट्रेनिंग के लिए भी एक बन रहा है बिसरा चौक में, और बिसरा चौक के बाद जो है यहाँ पर अपना छेंड में जो है बड़ा वर्ल्ड कप होगा, तो यही रोड में जाना है। तो एक तो देख लो ये बहुत प्यारा नज़ारा है, लगभग देखो हम लोग यही रोड में जो है हम लोग को एक नदी मिला है जो कि बहुत ही खूबसूरत नदी है। आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ा तो नहीं है लेकिन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नदी है, और पानी भी बहुत इसका सुंदर है, देख सकते हो बहुत ही प्यारा है। अगर आप फोटो शूट करना चाहते हो तो आ सकते हो, लगभग बहुत ही प्यारा है। मछली होगा इरफान इसमें, ये कौन सा नदी है इसके बारे में मालूम नहीं है हम लोग को, लेकिन चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं कैसा है दिखाते हैं आपको पूरा। देख सकते हो बहुत ही प्यारा नदी है यहाँ पे, पोखला है, पोखला तालाब है, नदी थोड़ी है, पानी जमा हुआ पानी, बहुत गड्ढा होगा लेकिन। तो यहाँ पे हम लोग मैप देख लिए हैं क्योंकि हम लोग को भी यहाँ से रास्ता पता नहीं है सही से, तो यहाँ पे हम लोग मैप देख के जो है निकलेंगे।
तो यहाँ पे दो रास्ता है, राइट है और एक जो है इधर सीधा है, स्ट्रेट है, ठीक है। ट्रैक्टर खड़ा हुआ तो यहाँ पे हम लोग को सीधा जाना है और इरफान बहुत बकबक करता है, ट्रैक्टर खड़ा है बोलता है। बादल तो यहाँ पे एक तो छोटा सा पटरी है, इसे पार करना है, उसके बाद जो है हम लोग को घूमना है। ये कहाँ, कौन सा पटरी? सीधा ये बिलमित्रापुर वाला पटरी है, बिलमित्रापुर जाता है रास्ता, और यहाँ से हम लोग को टर्न ले लेना है, राइट टर्न, और यही रोड में हम लोग को निकलना है। तो देख सकते हो यहाँ मैप में भी हम लोग का सही जा रहा है और हम लोग भी सही जा रहे हैं। पहाड़ तो यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और देख सकते हो हमारे पीछे पहाड़ है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है, देख सकते हो। और यही रोड में हम लोग को जाना है कोयल रेबर ब्रिज की तरफ, तो देख सकते हो। तो यहाँ पे इरफान बोल रहा है कि हम कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, तो चलिए क्या बोलते हैं इरफान भाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे क्या? तो राजा बोल रहा है कि हम खर्चा करेंगे, इरफान बोल रहा है कि हम पिएंगे, और यहाँ इमरान भाई लग रहा है कि पैसा लेके आ गए। इरफान भाई खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक थोड़ा पिएंगे क्योंकि थोड़ा गर्मी लग रहा है, क्योंकि डर लग रहा है, डर के जीत गए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं रिवर ब्रिज, जो कि पहाड़ से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ज़्यादा मतलब पहाड़ यहाँ पे है और यहाँ पे ब्रिज है। ब्रिज ऐसा है कि बाईपास रोड जैसे कि चलाने के लिए कार और बाइक चलाने के लिए नहीं है, ये ब्रिज ट्रेन चलता है। पहाड़ का रास्ता है और हम लोग को इधर से मुड़ना है, एक थोड़ा कच्चा रास्ता है। ये रोड में हम लोग जाएंगे, छोटा सा रोड है और वहाँ पे देख सकते हो ब्रिज दिख रहा है आपको। देखो ब्रिज पहुंच गया है और अब हम लोग जाएंगे ब्रिज के ऊपर। यहाँ पे ट्रेन वगैरह बहुत कम ही चलता है ना इरफान? बिरमित्रापुर का रास्ता है तो ट्रेन यहाँ पे बहुत कम चलता है, और यहाँ पे शायद एक स्टेशन का नाम भी लिखा हुआ, जाके देखेंगे कौन सा स्टेशन है। यहाँ पे राजा, इरफान और जो है इमरान, तीनों ब्लैक शर्ट पहन के आए हैं। आज क्या मालूम कौन सा मौसम है जो ब्लैक ब्लैक मार के आए, लग रहा है कि कुछ बॉडी गार्ड है। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way, guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. तो ये है कोयल रेबर ब्रिज, जो कि सही से यहाँ से नहीं दिख रहा है, ऊपर जाना पड़ेगा। तो देख सकते हो कोयल रेबर ब्रिज है इसका नाम, अगर आप गूगल मैप में भी मारोगे तो आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे। तो यहाँ से हम लोग चढ़ जाते हैं ऊपर। तो ये देखिए कोयल रेबर ब्रिज है और यहाँ पे जो है देख सकते हो नज़ारा, बहुत ही काफ़ी धूप है यहाँ पे, जो कि सूरज को देखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। देखिए ये जो है यहाँ पे गाड़ी वगैरह ज़्यादा नहीं चलता है, तो ये ब्रिज हमेशा खाली ही रहता है, लेकिन नज़ारा बहुत ही अच्छा है फ़ोटो वगैरह के लिए। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way, guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. तो देख सकते हो ये जो ब्रिज है, ये रेल पटरी है, रेल का ब्रिज है, लेकिन यहाँ पे आदमी लोग आते हैं फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए, क्योंकि ट्रेन जो है यहाँ पे बहुत ही कम चलता है। मालगाड़ी एक आध तो चलेगा, नहीं तो ये जो है पैसेंजर एक चलता है, बिलमित्रपुर पैसेंजर। देख सकते हो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का, गजब का आ रहा है यार। तो चलिए, इमरान और राजा वहाँ पे जो है फ़ोटो खींच रहा है, मतलब फ़ोटो क्लिकिंग कर रहा है, देख रहे हो। तो इमरान भाई पटरी के बीच में जा बोल रहा है, क्योंकि ट्रेन चलने वाला है। यहाँ पे राजा है, फ़ोटो शूटिंग कर रहा है, और इधर इन लोग का जो है इमरान भाई। तो राजा कैसा लग रहा है भाई? बहुत गजब लग रहा है, देख सकते हो। इरफान वहाँ जो है साइड में कटे कटे रह रहा है, साइड में फ़ोटो खींच रहा है वहाँ पे। हाँ वहाँ पे नहाता है, पानी कम है तो नहा सकता है वहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो फोटो शूटिंग हो सकता है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको यहाँ पे आना निकालना है और वहाँ पे सर्च करना है रबर ब्रिज, मतलब कि कोयल रबर ब्रिज का नाम है, और यहाँ पे बहुत ही आसानी जा सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं है रौनकला से, बहुत ही सामने है। फ़ोटो एक से फ़ोटो मिलेगा आपको यहाँ पे खींचने के लिए, अगर फ़ोटो के शौकीन हो तो आप। तो चलिए वहाँ पे जाएंगे हम लोग, और वहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं और वहाँ पे जो है मछली वगैरह भी पकड़ रहे हैं। तो चलिए जाके देखते हैं मछली देखते हैं कैसे लगता है मछली पकड़ना। तो ये देखो हम लोग जो है पूरा फ्रंट में आ गए हैं, और देख सकते हो नज़ारा मेरे पास है, और ये जो है पीछे का मेरा है, और इधर जो है राजा और इमरान जा रहा है, और इधर जो है देखो एक ब्रिज शायद वहाँ भी बनने का ऑप्शन है, वहाँ भी देख सकते हैं। हाँ तो वो क्या टूट गया है, वो देखो अंग्रेज लोग का बनाया हुआ ब्रिज टूट गया है। हम लोग इंडियन वाला ब्रिज जो है अभी तक काफ़ी देर तक टिका हुआ है। इरफान को लगता है यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जंगल जंगल घुमा हुआ है, जंगल जंगल घुमा हुआ इरफान है यहाँ का। देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है वीडियो लेके चलना, तो देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आना चाहते हो तो ज़रूर आना यहाँ पे, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो पीछे में लाइटिंग नहीं आ रहा क्योंकि उधर से धूप पड़ रहा है, और इधर जो है हम लोग का आ रहा है लाइटिंग। तो वहाँ राजा फिर से बैठ गया है फ़ोटो शूटिंग करने के लिए। हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे जाएंगे, नीचे हम लड़का लोग जो है खेल रहा है या मछली पकड़ रहा है वहाँ पे, देखो मछली पकड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में पहुँच गए, उधर से हम लोग कोयल रिवर ब्रिज के सामने से चढ़े थे और इधर लास्ट में पहुँच गए हैं। और इस साइड देखो इधर से भी नीचे होके शायद कोई बस्ती है इधर जाने का, देख सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, अगर फ़ोटो शूटिंग करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। खूबसूरत नज़ारा नहीं है इधर, राजा देखो वहाँ एक नंबर दो नंबर कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया है बारिश स्टार्ट, लेकिन हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ हमारे पास वाटर प्रूफ मोबाइल है और गूगल पिक्सल का ये फ़ोन है, देख सकते हो। नया फोन लाया भाई, मीठा उठा बांटेगा। यहाँ बारिश भी गिर रहा है और यहाँ पे बारिश बारिश हो गया है भाई लोग। गूगल पिक्सल है, पिक्सल कैमरा है, अभी देख रहा है, गजब दिख रहा है। यूट्यूब बनाने के लिए पानी पिएगा। तो यहाँ पे जो है बारिश बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो अब जो है हम लोग ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दूसरा जगह कहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लो ये जो है बोर्ड हम लोग का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।
तो यहाँ पे बाय बाय कर दो दोस्तों। कैसा लगा भाई? एक नंबर, खूबसूरत जगह है, आप सब आइए। पूरा झका झक।